दिवाली और छठ को लेकर गहमा गहमी चरम पर है। त्योहारी सीजन में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ गई है। वहीं रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं। तो यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर पंडाल बनाए गए हैं, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की अग्नि परीक्षा खासकर दीपावली और छठ के मौके पर होती है, क्योंकि दीपावली और छठ का एक ऐसा त्यौहार होता है जिस समय लोग रोजगार के लिए जो अलग राज्य में आए रहते हैं वो सभी अपने घरों के लिए कूच करते हैं। लेकिन देखिए, तमाम रेलवे के तरफ से तमाम वो बंदोबस्त किया गया है जिससे जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बार देखिए बाहर से तस्वीर दिखाइए किस तरीके से रेलवे प्रशासन ने व्यवस्था किया है। आपको दिख रहा होगा कि जो टेंट लगा है वो यात्री के रुकने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ट्रेन आपका डिले है तो यहाँ पर आप बैठ के इंतजार कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये गेट की बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये गेट पर एक LED स्क्रीन लगाया गया है। LED स्क्रीन में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि गाड़ी नंबर, गाड़ी संख्या, कितने बजे गाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी और कौन सा प्लेटफॉर्म होगा वो लिखा हुआ। देखिए तो जो भी यात्री यहाँ आते हैं वो स्टेशन पर जाकर या पसोपेश की स्थिति ना बने, आप LED स्क्रीन पर देखकर अपने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। पहली व्यवस्था ये की गई है रेलवे प्रशासन की ओर से। दूसरा, जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो गेट के सेकेंड द्वार पर, देखिए गेट के सेकेंड द्वार पर ये जो है वो हाथ से लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए दूसरा, आप जब अंदर आएंगे तो बंदोबस्त दिखेगा, जगह जगह पर आपको पंखे लगे दिखेंगे, सुरक्षा के तमाम वो बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे बात करते हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार मधुबनी। कितने देर से? 4 घंटे से बैठे हुए। कौन सी ट्रेन? हम सफर। लेट है क्या? जी 6 घंटा। हाँ 6 घंटा, 6.5 घंटा लेट है। कब से वेट कर? मैं तो यहाँ से 12 बजे का ट्रेन था, 12 बजे से बैठा हूँ। बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह पर पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर फूड स्टॉल, देखिए यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगा दिया गया है। प्रशासन मद्देनजर रख रही है, एक एक चीज को देख रही है, अपडेट कर रही है, ताकि सब चीज का एक ही मकसद है कि जो यात्री अपने घरों की ओर छठ पूजा और दीपावली में जा रहे हैं वो सुरक्षित जाए, कम से कम उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके लिए पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है और उसके लिए लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम कुमार के साथ अमित।